यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। पी इज अ पॉइंट ऑन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द फीट ऑफ टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट ए एंड बी। हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। पी जो है एक दो वर्टिकल पोल्स हैं, लाइक एक पोल ये है, एक सपोज पोल ये है, और ये जो है लाइक दिस। क्या बोला है? पी इज अ पॉइंट ऑन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द फीट ऑफ टू वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट ए एंड बी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स फ्रॉम पी आर 45 डिग्री। यानी ये पी पॉइंट है जिसको हम ज्वाइन करें तो ऐसे 45 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये बोला है, राइट। इस पोल को थोड़ा सा ज्यादा भी मान सकते हो आप, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन पोल पूछा है आपसे, ये हो गया। आप पूछा है ईच देन स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द पोल, यानी आपको ये डिस्टेंस बताना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखिए ये एक हाइट ए है, एक हाइट बी है, राइट। आपको ये वाला डिस्टेंस बताना है, तो आप जरा लॉजिकल चलिए। तो ये मैं अगर थोड़ा सा ऐसा ले लूं तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा बी माइनस ए, क्योंकि पूरा बी है, ये ए है, बी माइनस ए, और ये पूरा जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिए एक्स है, राइट। अब ये एक्स कैसे निकलेगा? तो अगर ये 45 एंगल है तो ये भी ए होगा, जब भी 45 बनेगा। ये अगर पी है तो ये भी बी होगा, आपको पता है 10 45 1 होता है, तो इसका मतलब ये ए प्लस बी है, ये बी माइनस ए है। अब आपको ये बताना है, पैथागोरस थ्योरम लगा दो तो ये डिफरेंस निकल जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो और उसका भी स्क्वायर बताना, तो ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस इज 2 times ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछा था। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल था, 45 देने से ये हुआ कि जितनी हाइट ये उतनी डिस्टेंस ही होगी, जितनी हाइट ये उतनी डिस्टेंस ये होगी, एंड देन आपको ये डिस्टेंस बता दी, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द सर्कल विच टचेज द लाइन 4x + 3y = 15, 4x + 3y = 5। अब देखिए आपको देख के समझ में आ रहा है, ये दोनों जो सर्कल की टेंजेंट है पैरेलल है, लाइक दिस, क्योंकि गिवन है आपको, एक है 4x + 3y - 15 = 0, एक है 4x + 3y - 5 = 0। यानी इन टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस डायमीटर होगा, और रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ, और एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी कितना बेसिक क्वेश्चन है। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन क्या होता है? अब याद रखिएगा, ये तो देखिए दोनों ही एक्स वाई सेम कर दिए, तो C1 - C2, तो -5 + 15 / √4² + 3² यानी ये हो गया 2, ये हो गया 10, ये 5, तो ये आ गया 2, तो इसका मतलब रेडियस हो गया 1। अगर रेडियस 1 है तो एरिया क्या हो गया? ओनली पाई। पाई इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पॉइंट ऑन द लाइन 3x + 4y = 5 विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। एक लाइन है, एक लाइन दी 3x + 4y = 5, इस पर कोई एक पॉइंट बताना है जो कि 1 2 से और 3 4 से इक्विडिस्टेंस पर है, राइट। ऐसा सोच सकते हो आप कि अगर ये मान लो सर्कल होता तो सर्कल के सेंटर से अगर इसका डिस्टेंस निकालते तो इक्विडिस्टेंस होता, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो आप वो पॉइंट मान लीजिए क्या, x1 y1, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? x1 - 1 का स्क्वायर + y1 - 2 का स्क्वायर = x1 - 3 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दीजिए, y1 - 4 का स्क्वायर। अच्छा एक और बात, ये x1 y1 इस पे भी होंगे, तो 3x1 + 4y1 = 5, एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, सॉल्व कर लेंगे आंसर जाएगा। अच्छा एक और बात है, आपके दिमाग में आएगा कि ऑप्शन रख लें तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल रख सकते हैं, पर आप देखिए 21 राइट, 21 - 16 = 5, अगला भी रखेंगे तो कितना हो जाएगा 45 - 40, यानी ऑप्शन ज्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस केस में आप ऑप्शन से मेथड से कर लीजिए, कोई टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए क्या होगा, x1 square y1 square कैंसिल, तो -2x1 - 4y1 + 5 = -6x1 - 8y1 + 25। सबको एक तरफ लीजिए तो हो जाएगा 4x1 + 4y1 = 20, यानी x1 + y1 = 5। अब आप ये भी देख सकते हैं कि इस ऑप्शन को जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो भी आंसर होगा, तो अगर मैं देखूं तो इस ऑप्शन को 15 - 10 ये कर रहा है, दिस इज द राइट आंसर। देखो ये बाकी कोई नहीं कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा, तो आप इसको यहां पर जाके बाकी कंप्लीट करना होता तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते तो आपको x1 y1 मिल जाता, पर मेथड क्लियर रखिए कि इसका एक पॉइंट है जिससे इसका डिस्टेंस या इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, ऐसा पॉइंट बताना है आपको, तो आपने इसको क्या करा कि एक तरह से अब
आप मान सकते हो कि डायमीटर है इसका, सेंटर निकाल लिया, पर ना भी माने तो चलेगा। बस ये ध्यान रखना है कि इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट है जिसका इसके साथ और इसके साथ डिस्टेंस सेम दिया गया है। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस टू होल पावर एक्स प्लस थ्री। आपको याद है लिमिट में ये कंसेप्ट बहुत बनाए थे, ये बेस पावर का कंसेप्ट है। डायरेक्टली करिएगा, ई पावर बेस इंटू पावर माइनस वन, पावर इंटू बेस माइनस वन, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री। इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री अपॉन एक्स प्लस टू, राइट, एक्स कॉमन निकाल के कैंसिल, तो वन प्लस थ्री बाय एक्स, यहां मिलेगा थ्री अपॉन वन प्लस टू बाय एक्स। एक्स की अगर इन्फिनिटी रखा तो करेक्ट आंसर इज ई क्यूब। याद रखिएगा बेस पावर का फॉर्मूला बताया था क्या, ई पावर पावर इंटू बेस माइनस वन। सब कुछ पढ़ा हुआ है, कहीं कोई कब बनाने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चंस को अच्छे से समझते जाइए और करते जाइए। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिमिट का है कि एफ एक्स इक्वल टू टू साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स कॉस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन इज कंटिन्यूस देन द वैल्यू ऑफ ए, यानी इस पर आपको लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। अब इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे आप चाहें तो टू साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन अपॉन क्या लिख सकते हैं, और इसको उससे भी कर सकते हो जो एक्सपांशन फॉर्मूला बताया। अब क्या हो जाएगा नीचे 2x इंटू कॉस एक्स, राइट। आप अगर चाहें तो साइन x कॉमन ले लीजिए, साइन x कॉमन लिया 2 साइन x कॉमन ले लीजिए इनफैक्ट, तो आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस एक्स, राइट। क्या मिला आपको 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2x इंटू कॉस एक्स, राइट। यहां पर देखिए साइन x अपॉन x कितना 1, 2 से 2 कैंसिल, अब आपको मिला केवल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। अगर आप x के प्लेस पे 0 रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेगा, अब x के प्लेस पे 0 रख दीजिए, अब हो गई लिमिट सॉल्व, तो 1 माइनस कॉस 0 अपॉन कॉस 0 1, तो क्या मिला कॉस 0 0, तो a का वैल्यू आ गया 0। दिस इज द राइट आंसर, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।